रंग तारा हुसैन रब चेहरा हुसैन बे अभियंत बौमी व नफसी वसल्लिल्लाहुम अला मुहम्मद व आलिही तैयबीन ताहिरीन। मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेज़बान आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हमारे दरमियान में मेहमान ख़ुसूसी आज तशरीफ़ फरमा हैं। अभी अभी हम अज़ा ख़ाने से लौट के आए हैं। ये मौला हुसैन का गम हमारी पहचान है और ये गम ऐसा गम है कि जो दूसरे गमों का इलाज करता है। शब्बीर का गम दौलत किरदार बशर है। शब्बीर का गम रोशनी कल्ब व नज़र है। शब्बीर का गम मरकज़ अनवार सहर है। शब्बीर का गम दीन इलाही की सिपर है। बहुत ही हमें खुशी में महसूस हुई है कि आज हमारे दरमियान एक नौजवान जो नौहाखा आज पहली दफ़ा इस रीयूनियन की सरजमीन पे तशरीफ़ लाए और ज़िक्र मौला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हमारे दरमियान जारी रहेगा और आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे। और सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मोहतरमा यानी साहिबा ज़ाकिरा अहले बैत जो अभी चंद दिनों में हमारे दरमियान में मौजूद थे और इन्होंने अपने बेहतरीन हिकमत भरे दरसों से नवाजा और उन्होंने भी हमारे इस नवा ख़ान जनाब अली अकबर साहब की भी बहुत ही तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने हौसला अफजाई के चंद अल्फाज भी फेसबुक पे दर्ज किए हैं जैसे कि हमने देखा। और वाकई जब बुज़ुर्गों का हाथ और उनका साया हमारे ऊपर कायम दायम होता है तो यकीनन हमारे लिए एक बाई से इफ्तिखार है। तो मैं सबसे पहले हमारे इस नौजवान भाइयों को जनाब अली अकबर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कि आपने अपनी इस शॉर्ट टाइम के अंदर आपने हमें इतना ये मौका दिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आप किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं हैं। माशाल्लाह आपकी डीवीडी निकल रही है और आपके फैंस भी ज़्यादा हैं और आपका गायबाना तारुफ भी माशाल्लाह किया गया है। लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ ऐसी बातें होती है कि जो आपकी ज़बान से अच्छी लगती है जो हम तक नहीं पहुंची, तो आप ज़रा अपना तारुफ अपनी ज़बान से कीजिए तो बड़ी नवाजिश होगी। सबसे पहले तो सामिन इकराम सबको सलाम अलैकुम और बाद सलाम ये कहना है कि बस मेरा नाम अली अकबर अमीन है और मैं इंडिया गुजरात अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाल्लाह। और बस इस सफ़र मैंने 2000 से शुरू किया था माशाल्लाह से। माशाल्लाह 2000 से भी मतलब आज मेरे को आज 15 साल हो चुके हैं, 14 से 15 साल इस नौकरी में हो चुके हैं। बहुत उम्दा माशाल्लाह से और काफ़ी महफिलें और नौहों के लिए सिलसिले से अभी 4 साल से तो वॉल्यूम रिलीज़ हो रहे हैं माशाल्लाह। और उससे पहले से महफिलों में काफ़ी सारे लाइव प्रोग्राम्स हैं वो सबके ज़ेर नज़र हैं यूट्यूब पे और वगैरह सब जगह पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और बस बकिया चीज़ें ये हैं कि अब खुशनसीबी ये समझता हूँ कि गुजरात में रह के और अहमदाबाद की जगह पर रह के जी इस बशर आज़ादी का करम है और उनका सदका है जो उन्होंने ऐसा हौसला बख्शा है और बस उन्हीं का हाथ सर पे हैं कि जिस वजह से आज इस जगह पे हैं और इस मकाम पे मौजूद हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत उम्दा और बहुत अच्छे अल्फाज में और आपने इस मैसेज को हम तक पहुँचाया। आपने ये सिलसिला जैसे कि आपने बताया कि आपको 2000 में आपने शुरू किया,
तो आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली या आपको बचपन से शौक था? मतलब आपकी उम्र कितनी थी जब आपने इस खिदमत को? पहले तो ये था कि छोटा सा था मैं, तो महफिलों में जाया करता था जी। तो ऐसा था कि मैं मेरे वालिद से कहता था कि मतलब वहाँ जैसे यहाँ महफिल हो रही है, वहाँ महफिलें अलग अलग जगह शाबान में, रजब में माशाल्लाह से महफिलें काफ़ी होती थी। अहमदाबाद में तो बहुत कम सी महफिलें होती थी पहले, चुनिंदा महफिलें हुआ करती थी, ज़्यादा इतना कोई लोगों को पता नहीं था। और उसके बाद माशाल्लाह से माहौल आज ऐसा हो गया कि एक अच्छे उरूज पे महफिलें हो रही हैं माशाल्लाह मौला के करम से, और ये बहुत बड़ा बीबी का सदका है कि पैगाम पूरे आम में फैल रहा है। ये था कि 2000 या उससे पहले के साल मुझे याद नहीं है, एक महफिल हुई थी तो उसमें एक बच्चा पढ़ने के लिए आया हुआ था, तो बस मैंने उसकी जानिब देखा और दिल से ये ख्याल आया कि मतलब मजलिसों में, मतलब और नौखानी मस्जिद में करता रहता था अपनी एक अलहदा जगह पे, बिल्कुल मकाम जहाँ पे हमारे है जमात वहाँ पे करे किया होता था, और वहाँ पे महफिलें भी होती थी छोटी सी जो जैसे शबों में हो गई तो हो जाती थी। लेकिन उसके बाद एक हौसला मिला के नहीं, एक वो मिला के नहीं, अगर ये चीज़ माशाल्लाह से मौला ने इन्हें नवाजा है तो अगर मेरी मेहनत से मौला मुझे भी नवाज सकते हैं इस चीज़ से, तो बिल्कुल मैंने एक उससे और उसी महफिल में मैंने हमारे वालिद से भी कहा था कि मतलब आप मुझे ले जाइए ले जाइए, तो उन्होंने कहा बेटा आप थक जाओगे सो जाओगे अच्छा। पूरी रात नहीं जाग पाओगे। तो लेकिन खैर हम जिद करने पे गए थे महफिल में और माशाल्लाह हमें बहुत खूब लगा, और वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी कि वो हमारी पहली या दूसरी महफिल थी जिसके बाद हमने एक वो चीज़ ली कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैं अपनी तरह से एक अलग मुकाम पर रोज़ जैसे कहीं कोई वक्त निकाल लिया उसमें अपना पढ़ लिया करता था, और ना किसी से मतलब, और हमारे यहाँ पे एक हमारे उस्ताद है ऐसे तो हमारे माशाल्लाह से हमारे नासिर भाई डोसानी करके एक बंदे हैं अहमदाबाद में, जिन्होंने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की मेरे पीछे, और मौलाना जफर हसन जलालपुरी है जी, मौलाना हमारे अभी अहमदाबाद में है जमालपुर जगह पे वहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे वो भी अपने घर बुलाया करते थे और मुझे अच्छे से सिखाया करते थे। नासिर अंकल भी मुझे वहाँ पे अपने कोई एक अलग जगह ऑफिस पे जाते थे या तो कहीं ऐसा मकाम था वहाँ पे बैठते थे और मुझे बताते थे, फिर मैं उनको सुनाता था, वो मुझे कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं से ऐसा पढ़ो ऐसा नहीं से ऐसा, बस वो एक रबता था। और फिर महफिलें देखता गया और एक चीज़ मिलती गई और अपने हौसला बढ़ता गया। उसके बाद में अलहदा अलहदा जगह पे मैंने गुजरात में महफिलें पढ़ना शुरू की माशाल्लाह, तो मौला ने वहाँ पे कामयाबी अता की। मैं जैसे महुआ में गया हुआ था पंजेतनी हॉल करके, वहाँ मैंने पहली महफिल की थी माशाल्लाह, और उसके बाद अलहदा अलहदा जगह पे महफिलें हुई जैसे फिर तो भावनगर है, फिर माशाल्लाह अहमदाबाद अपनी प्रॉपर जगह पे, वहाँ पे भी काफ़ी सारी जगह पे। और फिर उसके बाद में मैंने फिर उसके बाद मुझे एक मौका मिला कि मैं यूपी में जाके महफिल पढूं। अच्छा, तो मेरे लिए और शरफ की बात थी कि गुजरात का बंदा हो के मादरी जबान भी उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं है, उसके बावजूद एक अच्छी महफिल होती है जौनपुर में जश्न मलिकतुल अरब, सुभान अल्लाह। तो वहाँ जश्न मलिकतुल अरब महफिल में मैं मेरी हाज़िरी थी और वहाँ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे शुरा इकराम भी थे, सलीम बलरामपुरी थे, वक़ार सुल्तानपुरी थे, और जिनके मतलब और भी अलहदा अलहदा लोग थे, सावन हल्लोरी थे माशाल्लाह से, सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। तो बस उन लोग को देखा और उसके बाद पहले से थोड़ा तो ऐसा होता था कि यहाँ पे महफिल पढ़नी है जी, लेकिन माशाल्लाह से वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सराहा। उसके बाद वहाँ पे हमारा कलाम भी, मतलब मैंने जो उस्ताद ने लिख के दिया था वो कलाम भी हमने वहाँ पे पढ़ा माशाल्लाह, काफ़ी उन्होंने अच्छी महफिल हुई वहाँ पे। बहुत उसके बाद हमने लखनऊ में महफिलें पढ़ना शुरू, फिर लखनऊ से फिर बाद में माशाल्लाह से मुबारकपुर में महफिल की, बनारस है, लखनऊ की बात ही अलग है जी, बिल्कुल लखनऊ की तो और जो उर्दू है और मेरे ख्याल से साहिब ज़बान जिसे बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह सारे और सभी लोगों ने और जितने भी थे हमारे सारे, मतलब जितने वो एक अपना अपना समझ के और अपने को पुशअप करना और वो करना उसमें भी होता था, और यानी उसके बाद अपना एक मकाम लोगों ने बना लिया, और फिर उसके बाद अच्छे से लोग माशाल्लाह ऐसे ही मुझे बुलाया जाता था और महफिलें जैसे अभी हो रही है नौकरी मौला की वैसे होती रहती थी वहाँ पे सारी। नहीं माशाल्लाह ये होती रहेगी। नहीं बहुत अच्छे से माशाल्लाह आपने समझाया कि आपको ये बचपन में जो
हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद ऐसा बस उसी के बाद से ही माशाल्लाह हमने तो 2004 में 2005 में पाकिस्तान की महफिलें की हुई है जी माशाल्लाह जी। मुझे मतलब रेहान साहब, रेहान आजमी साहब के वहाँ से जो IRC में महफिल होती है, अच्छा जी, जश्न मुर्तजवी करके माशाल्लाह जी, उसका मुझे मिसरा भी अभी तक याद है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल हुई थी। वो अगर आपको याद हो तो ये था कि चंद बंद अगर आप सुना दें तो ये था, क्या जुर्म है अली को अगर मैं अली कहूँ, क्या जुर्म है अली को अगर अली को अगर मैं अली कहूँ। तो वो महफिल हुई थी वहाँ पे और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लोगों ने वहाँ पे वो हुआ था। और उसके बाद वहाँ पे मैंने एक कलाम पढ़ा था मौला अली का जी जी, उसके एक दो शेर आपको मैं अर्ज के देता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये था कि यूं करो जिक्र अली अपना दहन खुशबू दे, वाह क्या कहने। यूं करो जिक्र अली अपना दहन खुशबू दे, यूं करो जिक्र अली अपना दहन खुशबू दे, पढ़ के दम कर लो तो फिर सारा बदन खुशबू दे, पढ़ के दम कर लो तो फिर सारा बदन खुशबू दे, तो नामे इस्लाम पे इस तरह लुटाओ दौलत, क्या कहने नामे इस्लाम पे इस तरह लुटाओ दौलत, के खदीजा की तरह अपना भी धन खुशबू दे, के खदीजा की तरह अपना भी धन खुशबू दे। और इस मंगवत का सबसे अच्छा शेर ये जो वहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद किया था, के खदीजा की तरह अपना भी धन खुशबू दे, जॉन बतला गए शबीर पे हो यूं कुर्बान, जॉन बतला गए, जॉन बतला गए शबीर पे हो यूं कुर्बान, रन में बिखरा हुआ हर अज़्वे बदन खुशबू दे, तो साथ दो क्या कहने शाखों के कुछ खाके शिफा रख देना, साथ दो शाखों के कुछ खाके शिफा रख देना, ताकि मैं कब्र में सोऊं तो कफन खुशबू दे, ताकि मैं कब्र में सोऊं तो कफन खुशबू दे, ताकि मैं कब्र में सोऊं तो कफन खुशबू दे। माशाल्लाह बहुत उम्दा। तो उस वक्त आपने ये पढ़ा और बहुत, और वाकई ये इन चंद लम्हों में भी आपने इस महफिल को इस तरह सराया कि ये माहौल भी खुशबू दे रहा है माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे और हमेशा ज़िक्र मौला करने की सआदत और तौफीक इनायत फरमावे। तो इंशाल्लाह ताला हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम फिर से इसके बाद मुलाकात करते हैं और एक दो कुछ बातें हैं जो हम ज़रूर हमारे भाई से शेयर करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे और उन्हें हम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ भी अपनी जानिब से कुछ हमें पैगाम पहुंचा दे। तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर के बाद फिर से मुलाकात करते हैं, आप यहीं रहिएगा। और अभी हम गए सबसे बाला हुसैन शाहे वाला हुसैन मेरे मौला हुसैन प्यारा भी अल्लाह।